अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी आप अपनी IRAS की ID ऑन करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि आप अपनी बैंक की डिटेल इंटर करें। वो नोटिफिकेशन क्यों आता है, उसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, आज हम अपनी वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये एक ID और पासवर्ड ये मैंने लिखा हुआ है, ये हम लॉग इन करते हैं, ये देखें ये इधर जो है ये एरर आ गया। अगर हम इसको पढ़ें, ये देखें, एज़ पर योर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड योर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। बैंक अकाउंट इन FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो आर प्रोसीड फ्रॉम माई प्रोफाइल। या तो आप इधर से ही जो है इसको क्लिक टू अपडेट प्रोफाइल कर लें, या फिर माई प्रोफाइल पे जाके जो है आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या, फिर वो कह रहे हैं कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ मैंडेटेड फॉर फंड डिसबर्समेंट डायरेक्टली टू योर अपडेटेड बैंक अकाउंट। ये जो है ना इन्फॉर्मेशन लाजमी है अगर आप जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए इधर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, इसको रिमूव करने के लिए क्लिक टू अपडेट प्रोफाइल, इसकी हम इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखें ये सारी पर्सनल डिटेल आ गई, बिजनेस के हवाले से ये एक टैब आ गया, ये एड्रेस आ गया, यूटिलिटी कनेक्शन, बैंक अकाउंट्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लायर। आपने ये क्या है कि ये बाकी कोई भी टैब इस वक्त काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बैंक अकाउंट की ही इन्फॉर्मेशन ये लेना चाह रहे हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर ही आप इधर जाएंगे और इधर आपका ये प्लस का बटन आ रहा है, आपने इधर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। इधर सबसे पहले आपने जो है वो आपके अकाउंट की जो टाइप है वो आपने बताना है, इधर अकाउंट है, इधर फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है, करंट है, सेविंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपने फिक्स करवाए हुए हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, क्या है आपका, जो भी आपका अकाउंट होगा वो आप उधर लिख देंगे। करंट अकाउंट आपका, अगर सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग लिखेंगे। तो आपने इधर क्या करना है, इधर सबसे इधर आपने अपनी ब्रांच का नंबर देना है, इधर से सेलेक्ट कर लिया जो भी आपकी ब्रांच आएगी। अच्छा, IBFT क्या है? IBFT होता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आपका जो है ये देना लाजमी नहीं है। अक्सर अगर आप को मालूम है कि किस तरीके से IBFT इंटरनेट बैंकिंग से या फिर ATM में किस तरीके से अकाउंट नंबर लिखा जाए तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आप इसको यहाँ लिख दें। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको बेशक आप खाली छोड़ दें, जैसे मैं इधर खाली छोड़ रहा हूँ। आपने इधर IBAN नंबर देना है, IBAN नंबर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आपने ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपने अगर गलत नंबर इंटर कर दिया तो आपके पैसे जो है रिफ़ंड नहीं आएंगे और फंस सकते हैं। IBAN नंबर आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा लिखने के बाद भी, जैसे मैंने ये कर लिया है। आपने इधर करेंसी बताना है कि आपका ये अकाउंट है किस करेंसी के अंदर है, यूरो में है, पाउंड में है, PKR में है, USD में है, जॉर्डियन दिनार में है, बहरीनी दिनार में है, ये आपने इधर PKR में है तो अकाउंट ये PKR लिख लेना है। कैपेसिटी, आप इसके ऑनर हैं, जारी बात है ऑनर ही हैं हम इस अकाउंट के, और परसेंटेज शेयर इधर लिख देना है 100%। इसको ओके करेंगे, जैसे आप इसको ओके करेंगे देखें नीचे लिखा आ गया बैंक अकाउंट एडिट सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, इधर क्लोज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है,
अब हम जो है इधर दोबारा लॉगिन होके देखते हैं कि दोबारा जब हम लॉगिन करते हैं तो अब ये एरर आता है या नहीं आता। ये देखें दोबारा लॉगिन किया है, अब ये बिल्कुल भी एरर या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। आप लोग भी इस एरर से और नोटिफिकेशन से परेशान ना हो, आप जो है आसानी से बहुत ही एक दो स्टेप हैं उसके साथ अपना अकाउंट एंटर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो मेरी जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके अलावा बहुत सी आपके बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स के ऊपर और इसके अलावा बहुत से मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उसको जो है मेरी वीडियो सेक्शन में जाके आप उनको देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।